ना अभी ढंग से रे, समझ गया ना? अबे भाई कम बोल तू, ये देखो स्क्रेच स्क्रेच आ रही है, आगे देखो। भाई बम्पर तोड़ दिया हमारा और ये आके दादागिरी बता रही हूँ, बोल रहे कि गाड़ी कितने की इसको खरीद लेते हैं। दोनों 1 लाख रुपए, दो मेरे भाई। अरे 1 लाख का नुकसान है, जरा सा जाट बराबर पेंट यार। हाँ तो वो सब सही कर देगा तुम्हारे बैंड वेंड। ये वहाँ से निकल गया, इसको स्क्रू तो पहले से निकले हुए हैं इसके। ये यार 50 लाख रुपए देंगे क्या इसको? गलती कर रहे हैं तो उसको मारने की बोला मैंने, तो फिर बस मारने की बोला मैंने तो बस है ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी टाइम के बाद भाई व्लॉग बना रहा हूँ और सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई। काफी टाइम से ना मेरी गाड़ी खराब होके रखी थी भाई, तो मेरे को भी क्या है इसको चलाने की इच्छा नहीं होती, चेन स्पॉकेट वगैरह कंपनी में आ नहीं रहा था, तो भाई इच्छा हो ही नहीं रही थी यार। गाइस आप लोगों को पता है भाई मैं अनकम्प्लीट गाड़ी चलाता नहीं हूँ, और ये तो अपनी जान है यार, इसको कंप्लीट कराना तो भाई बनता ही है। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद मैंने सामान ऑर्डर पे लगा रखे थे, तो अभी सामान आ गए और आज करने वाले हैं भाई फुल बॉम वाली राइड, क्योंकि आज भाई देवा भी आने वाला है, अनस भाई भी आने वाले हैं और अंकित भी आने वाला है भाई। तो मतलब आज अपने पास है ना बहुत सारी स्पोर्ट बाइकें हो जाएगी, और अनस भाई की सुपर बाइक आया भूसा, उसको भी दिखाऊंगा भाई आप लोगों को। वह तगड़ा सीन है भाई उनका भी यार, उनसे भी मिलवाता हूँ। अपन ने स्टंट पॉइंट बनाया गाइस, काफ़ी टाइम से हम रिसर्च कर रहे थे यार, बहुत सारी रिसर्च करी, तो उसके बाद हमें पता चला कि ये खाली एरिया है इधर की साइड, जहाँ पे मेरी कुछ व्लॉग्स भी शूट कर रखे हैं मैंने, वो शूट करने के हिसाब से मेरे हिसाब से सही एरिया है, तो उस एरिया में चलेंगे भाई और शूट करेंगे। माहौल रहेगा आज तो स्टंट व्हीली वगैरह पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को। A few moments later. So guys, अभी देवा मेरी बाइक को लेके गया हुआ है भाई, तो अंकित ने बुलाया तो भाई वो उसको लेके आएगा, और अभी थोड़ी देर बाद में फिर से करेंगे अपन भाई। अभी यहाँ पे वेट कर लेते हैं, अनस भाई भी आ रहे हैं तो यहीं पे वेट कर लेते हैं गाइज। ये बनाते हैं भाई मिलने की जगह, ये शानदार भी है। अभी अनस भाई को कॉल लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में मिलते हैं। ये भाई अपने देवा की बाइक है, कॉल कर लेता हूँ गाइस। 2000 years later. ओ ये और बीनू भाई दे, अबे मेरी बाइक कहाँ छोड़े है तू? अरे यार उसको क्यों दे दिया यार तूने? अनस भाई भी तो आ रहे हैं यहीं पे, आ रहे हैं बस, नहीं यही रुकते ना, नहीं कर रहा हूं ना। अरे नहीं नहीं उनको आ जाने देता ना भाई। ये देखो ये देखो भाई ये देखो ये देखो अभी से विले स्टार्ट होगी इस बंदे की। भाई गाइस भाई कितना रिस्क है गाइस यार, रोड क्रॉस मत कर भाई, विली से रोड क्रॉस कर रहा है तू। स्टंट मास्टर है अनस भाई। गाइस सामने से अनस भाई भी आ चुके हैं, बस 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 मामला सेट। अनस भाई कैसे हो और बताओ? देव भाई क्या हाल है? बस ये गाड़ी आज अपनी अपनी भाई मेरी वाली भाई, किसने किसी उसने बोला आरती पसंद है मुझे गाड़ी। हां यार चला ले, मैं भी स्टंट कर लूंगा। मैं लो चले फिर अपन डायरेक्ट, वो कितनी देर में आ रहा है? यहां पे जाना कहां है? अपन स्टंट पॉइंट चलते हैं ना, कहां पर थोड़ा सा आगे ही बना रखा, आपको दिखाऊंगा आज। पब्लिक एरिया नहीं है ना, मतलब नहीं 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 वो दिक्कत कुछ भी नहीं, हमने रिसर्च कर लिया पहले ही। बात तो रखते हैं, नहीं नहीं कंप्लीट है आप। नहीं नहीं डन डन। और भाई आया भूसा, अनस भाई क्या आया भूसा, कितनी तगड़ी लग रही है यार। एक बार थ्रोटल अनस भाई, भाई एक बार थ्रोटल मार दो। गाइस गूंज जाता है भाई मोहल्ला पूरा। सो गाइस अभी चलते हैं, सारे भाई अपने आ चुके हैं और अंकित है, अंकित डायरेक्ट स्टैंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो गाइज अभी सीधा डायरेक्ट स्टैंड पॉइंट पे चलते हैं। और भाई खतरनाक ही प्रैक्टिस कर करके भाई, ये देखो बंदे ने भयंकर वाला सीन कर लिया भाई, को नेकेड बाइक पसंद है फिर भी फेयरिंग वाली ले रखी है इसने। चलो आ जाओ। सो गाइज अभी चलते हैं। और भाई देख रहे हो आज, पता लगा लो गाइज कितनी बॉम्ब राइड होने वाली है। एक बिल्ली, ओ गाइस सो गाइस अभी खींच लेते हैं बाइक को। ओ भाई भयंकर ही सीन करेंगे गाइस, आपको ग्राउंड बताएंगे। एक तगड़ा वाला रोड है भाई, वहां पे किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और ये
टाइम मिल ही नहीं पा रहा था मेरे को, बट अभी मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे गाइज कि पूरे भाई मिलके और तगड़ी वाली बॉम्ब राइड करेंगे। तो गाइज आज वो राइड होने वाली है और काफ़ी मज़ा आएगा भाई। ये वाला रोड चुना है हमने स्टंट के लिए, तो गाइज यहीं पे लगाते हैं भाई, बस यही वाला रोड, यही वाला रोड। ओह गाइज तगड़ा वाला सीन हो रहा है भाई। सो गाइज स्टंट पॉइंट पे आ चुके हैं भाई, और अनस भाई को देख लो आज, और ये अपना देवा भाई खतरनाक वाला सीन हो रहा है गाइज। और सामने सनसेट है भाई, इतना प्यारा और इतना तगड़ा व्लॉग है ना भाई आज का, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है भाई अंदर से। सो गाइज अभी करते हैं अपन तो स्टंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज तुम्हारा भाई भी आज बिल्ली मारने की करेगा भाई ट्राई। तो गाइज थोड़ा सा आगे ले लेते हैं भाई। सो गाइज अभी थोड़ा सा आगे लेके यहाँ से लेते हैं भाई, ओ तेरी चल लेते भाई, मेंटेन का तो ना कर रहा है बंदा यार, ये घूमगी भाई। कौन बोलता है केटीएम जरा सी जगह में नहीं घूमती भाई, अभी देखना थोड़ी सी जगह में घूम जाएगी। ओ ले गया ले गया ले गया भाई ले गया। भाई 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 आराम से आराम से। ओ भाई 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 खतरनाक मेंटेन कर रहा है भाई। ओ भाई साहब खतरनाक, उठा दे ओ भाई साहब, लंबी लंबी वीलिया मार रहा हूँ भाई। ओ तेरी भाई, फोन आ रहा है मेरे किसका है। हाँ अंकित भाई, हाँ अरे यार आपके कॉल ही नहीं लग रहा बहुत देर से, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी से। हैं किस कौन सी गाड़ी से? आपकी वाली से। कहाँ है जो तू अभी? मैं यहीं हूँ। कहाँ पे? अपना घर के इधर आगे। वो तुम घूमे थे उधर की साइड पे? हाँ। अरे यार गाड़ी ठोक दी, ठीक है ठीक है। हाँ भाई क्या हुआ? अरे यार मैंने बोला था तेरे को यार मेरी गाड़ी तू उसको दिया है। अरे तू दीदी चलाता है भाई, जाने कहाँ ठोक दी उसने। अरे यार लो 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 वहीं चलते हैं अनस भाई। सो गाइस अभी चलते हैं भाई, अंकित का कॉल आया था एक्सीडेंट हो गया उसका, देखते हैं क्या सीन हुआ। सो गाइस देखो भाई आज वाली राइड कितनी भयंकर खतरनाक होगी भाई, आप लोग अभी इससे आइडिया लगा सकते हो गाइस। उधर लास्ट में हो, लास्ट में होगा उधर की बोल रहा था, इस वाले रोड पे तो एंड है ऐसे भी कहीं जा नहीं रहा रोड, पता नहीं भाई क्या कांड कर देते हैं यार। तो जल्दी भाई अपन तो टाइम भी नहीं लगा रहे, ये भाई साहब बैकफायर, पब्लिक पब्लिक इकट्ठी हो रही है। अबे क्या हुआ? गाड़ी ठोक दी भाई इसने। कहाँ ठोक दी? तेरे नहीं लगी ना? मेरे तो नहीं लगी। हाँ नहीं लगी भाई, उसके नहीं लगी, उसके नहीं लगी, गाड़ी लगी, गाड़ी में लगी। गाड़ी देखो तुम, तो हमारी गाड़ी देखो पहले, गाड़ी का क्या है? तुम्हारी गाड़ी तुम देखो ना भैया, हम क्यों देखेंगे यार। अरे यार कहाँ टूट गया यार तू? मैं तो इधर आ रहा था शांति से यार, नुकसान कौन को है बताओ पहले तो। क्या हो गया भाई? हाँ कितने का नुकसान है ये? अरे तो भाई लड़ना है क्या अपन को?
भाई मेरी अरे शोरूम वाली क्या बात होगी, 1 लाख रुपए गए गए यार। चलो सही करवा दे। 1 लाख रुपए गए क्या वो भाई? शोरूम पे जाएगी क्या? तो बम्पर चेंज होगा, हमें तो ये चाहिए। तुम्हारी गाड़ी तुम ले जाओ, ले जाओ तुम्हारी गाड़ी। अरे भाई मेरे, मेरी बात सुन, कितने और है जो भी है वाजिब बता दे उसके, उसके भी तो टूटे ना भाई। अरे तो भाई हमारी भी तो टूटी ना गाड़ी यार, साइड में आ रहा था, हम हमारी लेन में जा रहे थे भाई। गलती उसकी है, गलती हमारी नहीं है। अगर हमारी गलती होती तो तुम बोल सकते थे हमसे। तो क्या हो गया मेरे भाई, टुग्गी तो जरा सा है तो स्क्रेच आया, करवा लेना यार, कितने में होएगा वो सही? चलो तुम करवा दो ना सही। तो क्या हो गया मेरे भाई, करवा लेना ना, कितना लग जाएगा उसमें? कुछ भी हो जाएगी, बाहर में करवा के दे दूंगा तुम्हें। तो हम करवा के दे देंगे ना तुम्हें, शोरूम पे क्या मेरे मिलने वाले के पास चलना, मैं करवा के दूं तेरे को सही। हमें तो अभी यहाँ पे 1 लाख रुपए चाहिए, हम तो कुछ नहीं जानते। तुम्हें दबो ना, तेरे भाई की गाड़ी लेके जा। भाई भाई की नहीं है गाड़ी, मेरी है भाई वो। और पोकट पोकट बातें मत कर, समझ गया ना? गाड़ी ले जानी होगी ना तो ले ही जाऊंगा भाई। गाड़ी ये नहीं टूटी क्या? लेकिन गलती हमारी है क्या, आप बताओ? भाई गलती होगी ना उससे गलती होगी ना मेरी बात, आज गलती होगी ना उससे। अरे तो भाई ठीक है ना भाई, जो भी नुकसान हो रहा है तेरा दे रहा ना, 1 लाख रुपए का क्या होता है भाई? 1 लाख में पूरा पूरा साइड का पार्ट चेंज हो जाता है। गाड़ी ले जाके बता दो। अरे भाई दम वाली बात, भाई मेरी बात सुन, गाड़ी तो ले जानी हो तो लेके ही जाएंगे हम। ये बात बता रहा हूँ, गाड़ी की मत बोल। या फिर तुम्हें दम हो या जो भी। अरे यार भाई ने बार बार बोला, भाई मेरे मेरी बात सुन, तेरे विनू भाई इसकी गाड़ी को लेके चल, चलो अपन डेंट पे। तेरा जो भी हो ना खर्चा वो मैं करवा के दूंगा तेरे को, चल भाई। 1000 रुपए आप बताओ। अरे गलती मेरी है भाई, गलती हो गई भाई। अरे कोई बात नहीं ना भाई, गलती होगी तो क्या हो गया? तो कोई बात नहीं भाई, गलती होगी उससे तो भाई, हम आपकी स्क्रैच आया उसको लगा तो उसको फिक्स जो भी करना है उसका करवा ले भाई। शॉप पे चल, हमारे मिलने वाले हैं, कलर कर देंगे तेरे, काम हो जाएगा पूरा। इससे काम नहीं होता है, अभी थाने में जाएंगे। तुम्हारे भी तो लगेंगे ना भाई, तुम्हारे भी तो लगेंगे। कॉल लगाओ दीपक भाई, कॉल लगाने में कुछ भी नहीं होगा। अरे चलो ना थाने में, चलो भाई। हो गया भाई मेरे, मेरी बात सुन, तुम्हारे ऊपर क्या चढ़ रहे हम, तो तुम्हें समझा रहे कि भाई जो भी हुआ ना समझाओ ना भाई, गलती तो इसकी। कोई बात नहीं ना, उससे गलती होगी तो क्या करेगा, आप क्या मारेगा क्या उसको? गलती होगी तो गाड़ी उठा दीजिए से, गाड़ी को ले लो, चेक फाड़ दो। अरे यार मेरी बात सुन, बढ़िएगा ये बढ़िएगा भाई, फालतू बातें मत करो। इतनी सी तो मन में आए वो करो, इतनी सी तो भाई हम बाइक लेके चलते हैं, जितना तू जलाता नहीं होगा ना पूरे दिन में। गलतियां हमसे भी होती है, पर तुम तो पैसे का पावर बता रहे हो ना यार। तुम्हारे पास पैसे तो तुम मांग रहे हो ना भाई, तो भाई पैसे तो तुम मांग रहे हो ना, पैसे तो कुछ भी कर लोगे क्या तुम? अरे बात वो नहीं है, फिर हम तो बोल रहे ना भाई, तुम्हारे ये बोल रहे हैं भाई की चेक फाड़ के दे, ये कौन सी बात हुई? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है मेरी बात, तेरा जो भी नुकसान हुआ ना वो ले ले तू। तो दोना 1 लाख रुपए दो मेरे। अरे 1 लाख का नुकसान है, वो जरा सा जाट बराबर पेंट है यार, पूरा बंपर चेंज होगा उसका। चलो फिर शोरूम ले चलो, बंपर कितने का है तुम रेट पूछ लेना शोरूम वाले से। चलो भाई मेरे, मेरी बात सुन, जो भी होगा ना वाजिब बता दे, 1000-2000 रुपए जो भी लगेगा वो। बंपर कितने का चेंज होता है उसका? उंगली में स्क्रैच आ गया, उंगली थोड़ी काट देते हैं, बैंडेड लगाते हैं ना उंगली पे। हाँ तो उसके लगवा ले भाई, करवा रहे उसको फिक्स। इसमें गाड़ी में भी तो भाई, इधर हट एक मिनट। अरे गाड़ी के भी तो भाई ये देखिए, ये पड़ के उड़ के टूट गए, ये भी क्या फ्री थोड़ी आएंगे यार। हमारी है क्या? कोई बात नहीं भाई की, हम तोड़ देना तो सही करवा के देते भाई पूरी। अरे तो कोई बात नहीं ना भाई, अड़की गाड़ी तो क्या हो गया मेरे भाई, ये देख तुमने तो ब्रेक ब्रेक सारे तोड़ दिए यार। तुम्हारे भाई पोकट, तुम्हारे भी नुकसान होएगा, हमारे भी नुकसान होएगा बिना मतलब। तुम तो बता दो ना कितना वो मैं करवा। अरे डरने वाली बात नहीं है भाई, किसी से भी नहीं डरता, वो तो कोई भी नहीं डरता भाई किसी से भी, डरने वाली बात नहीं है। तेरे को दादागिरी क्या बता दी भाई? मेरी बात सुन, एक्सेप्ट करो पहले, बात सुनो। गलती एक्सेप्ट कर रहे ना, सही करवा रहे ना भाई, शोरूम में ले जाएंगे और चेंज करवाएंगे। मेरी बम्पर चेंज करवा सकते हो क्या भाई? मेरे मेरी बात सुन, जो भी डेंटिंग का तेरा खर्चा है ना वो मैं करवा के दे दूंगा, चल मेरे साथ मतलब चल। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी को भी छेड़ दो। अरे तो क्या करे, तेरे को नई गाड़ी लाके दे क्या, तेरे को नई गाड़ी लाके दे क्या फिर यार?
तू भी बिल्कुल ही अटक ही रहा है। इसकी क्या वैल्यू है? गाड़ी की वैल्यू लगा लो भाई, तू तो ले ले। हाँ ठीक, 60 की तो नहीं आ जाएगी वो, 60 की तो थोड़ी अभी। अरे यार कहाँ से नहीं लग रही है। हाँ तो 60 की है ना, तो अभी शोर में निकलने के बाद रेट तो डाउन होगी ना इसकी थोड़ी बहुत, तो 60 की 60 रहेगी। हमने तो 60 दिया है, गिन के। तेरे को बेचनी है क्या? तेरे को बेचनी है क्या? फोकट दिमाग खराब मत करो। तेरे को बेचनी है क्या? समझ गया ना, बहुत देर होगी तेरे को फटफट करते हो। एक तो गाड़ी भी ठोक दी, फोकट बोल रहा है। आज जो भी है तुम्हारा डेंटिंग पेंटिंग का 1500 जो भी लगे ना, हमारी दुकान है वहाँ पे ले जाइए। हाँ तो ले चलना भाई, दुकान पे ले चल, कितना पेंट है इसमें। मेरी बात सुन, अबे भाई कम बोल तू, समझ गया ना। अबे 1000 रुपए का तो तेरे पेंट नहीं निकला, जिसमें 1,00,000 रुपए मांग रहे हो तुम लोग यार। 1,00,000 रुपए चाहिए मैं इसके पूरे। काहे के 1,00,000 रुपए तो 1,000 रुपए में सही हो जाएगा तुम्हारे? हाँ में सही कैसे नहीं होगा? चलना भाई मेरे दुकान रही ना, वहाँ पे लेके चल, मैं करवा के दूँ तेरे को सही। हाँ तो ठोक दी तो गलती होगी ना भाई, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, फिर फोकट में चढ़ क्यों रहे हो? सारे के सारे चढ़ रहे हो तुम तो यार। हाँ लंदन ये फालतू बन को भाई, मेरी बात तेरा जो भी नुकसान हुआ ना हम रखेंगे। हमारे भी गाड़ी में नुकसान हो गया। हमारा ऑप्शन ये है भाई, या तो आप 1,00,000 रुपए दो, नहीं दे सकते तो शोरूम में जाओ और बम्पर चेंज करवा दो। ये हमारा। अरे यार ये तुम्हें क्या करना है? 1,00,000 रुपए देने हैं, बम्पर चेंज करवाना है, ये तुम्हारे ऊपर। तू चलना तेरे बम्पर को सही करवा के दूं ना तेरे को। चेंज सही है, बम्पर पूरा चेंज होएगा वो। इतने से पेंट में बम्पर चेंज हो जाएगा? एक जरा सा स्क्रेच है भाई, कितना एक कितना बड़ा स्क्रेच है? स्क्रेच तो देख मेरे भाई, इतना सा स्क्रेच आया इसमें। हाँ तो वो सब सही कर देगा तुम्हारे बैंड वेंड। ये वहाँ से निकल गया इसको, स्क्रू तो पहले से निकले हुए हैं इसके। ये अभी निकले जस्ट, ये तो पहले से निकले हुए हैं मेरे भाई स्क्रू वगैरह तो इसके। हाँ अभी तो ये इतना सा पेंट आया तेरे। मेरी बात सुन भाई, ठीक है तुम दुकान पे ले चलो और इसको पेंट करवा लो। अरे क्या दुकान पे सही हो गया भाई? ये क्या? अरे डिटेलिंग हाउस है भाई, मेरे दुकान नहीं है। डिटेलिंग हाउस पे सही कर देगा वो, कैसे हो पूरा? टेबल्स में करवाऊंगा मैं तो सही। तू तो कह देगा मैं तो वहाँ करवाऊंगा सही। तो शोरूम में चल चल, शोरूम में चल चल। तू कितने ले रहा है बम्पर के? कितने ले रहा है यार? 1,00,000 रुपया बम्पर आता है इसका? तू चेयर कते कर रहा है? इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है और अरे तो एक जरा सा स्क्रेच आया तेरे मेरे भाई। भाई बम्पर तो चेंज होगा ना उसका पूरा, अभी तो नहीं लिए मैंने। अंकल जी आप बताओ, इनका छोटा भाई था वो गाड़ी रॉन्ग साइड में चला के ला रहा था और हम अपने रास्ते जा रहे थे, उसने अरे तो हमारी गाड़ी के बम्पर टूट गया। अब बताओ आप, ये आ रहे हैं इसके बड़े भाई है, हमारे लिए दादागिरी बता रहे हैं। अरे यार मेरी बात सुनो, दादागिरी वाली बात नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी कितने की? अरे मेरी बात सुनो यार, 50,00,000 रुपए देंगे इसको? गलती कर रहे हैं, पैसों की दम बता रहे हैं। अरे वो वाली बात नहीं है भाई, इसको पेंट करवा के दे देंगे भाई। पेंट वेंट कुछ नहीं होता, चेंज करवाओ तुम तो डायरेक्ट भाई, इसका ओरिजिनल पेंट करा देंगे। इतना टेंशन मत, तेरा जो भी बना वो खर्चा ले ले, या फिर नया बम्पर डलवा दो। तुम बताओ तुम्हें क्या करना, हमारे पास दो ऑप्शन है। अरे तो भाई हमारे भी तो नुकसान हुआ है ना, हमारे भी तो हुआ है ना भाई। अरे तो मार डालू उसको, अब मारने की बोला मैंने तो फिर बस मारने की बोला मैंने तो बस है ना भाई, फाइनल करने ला इसका जो भी है फाइनल कर। इसका फाइनल यही है कि या तो 1,00,000 रुपए दो या फिर बम्पर चेंज कराओ, बीच का कुछ कर जाएगी। इसके भी समझ में बैठे, इसके भी समझ में बैठे, ऐसा कुछ कर जो इसके भी समझ में बैठे। अरे भाई वो तो लेके जाएंगे इसे हम। अरे कैसे नहीं जाएगी भाई, इतनी से लगी है अंकल जी, देखो इतनी से लगी है। इसमें 1,00,000 रुपए कौन देगा भाई इसको? हमारी साइड में चल रहे थे अंकल जी, इनका भाई ये छोटा वाला ये रॉन्ग साइड आ रहा था, ठीक है आ रहा था, बम्पर तोड़ दिया हमारा और ये आके दादागिरी बता रहे हैं। यूं बोल रहे कि गाड़ी कितने की इसको खरीद लेते हैं। अरे भाई मेरे गाड़ी तू खुद बोल रहा है देने की, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी क्या गलती है क्या भाई? मेरे जो भी तेरा हुआ है ना वो हम करवाने के लिए नहीं बोल रहे क्या भाई? या तो बम्पर चेंज कराओ, इसका बम्पर 1,00,000 रुपए का आता है, या तो बम्पर चेंज कराओ। बम्पर थोड़ी टूट गया, बम्पर टूटा थोड़ी, क्रेक हुआ है जरा सा यार। क्यों नहीं चलेगा भाई? देखो कोई भी चीज समाधान से हो जाए, प्रेम से होता है।
पता नहीं जिनने बोला। अरे हम तो लड़ाई कर रहे हैं, हम तो इनके भाई को तो नहीं समझा रहे, ये छोटा भाई है इनका, इसको तो नहीं समझा रहे, हमसे लड़ाई कर रहे हैं कि गाड़ी कितने की उतने पैसे दे देते हैं। तो ये कौन सी बात है, इनके पास पैसे है तो ये कुछ भी करेंगे क्या? ऐसे नहीं, देखो प्रेम भाई मेरे, जो भी तेरा बैठ रहा है ना वो बना दे तू, जो भी डेंटिंग तेरे से कितनी बार बोलू कितनी बार बोला। अरे 1,00,000 रुपए का नुकसान भरेंगे क्या यार, बंपर चेंज करवाओ, गलतियां तो तुम करते हो और हमारे लिए दादागिरी बता रहे हो, ये कौन सी बात हुई? मेरी बात सुनो, तू बता रहा है दादागिरी, तू बोल रहा है बिना मतलब, गलती तो क्या हो गया भाई, गलती होगी तो क्या करेगा, मारेगा क्या उसको? नुकसान नहीं होगा, उसको मारेगा क्या? अब मारने की नहीं बोल रहा मैं, फिर अड़गी उसने क्या जानबूझ के कराई गई? जानबूझ के क्या किया है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं चाहता खुद के लिए, उसके छोरे के पता नहीं कहाँ लगी होगी अभी तो। लगने वाली बात नहीं है, हम तो हमारी साइड चल रहे हैं और ये रोंग आ रहा है। तू तो फिर भी कार में था भाई मेरे, तू तो फिर भी बच जाता, वो तो बाइक से था, सोच अगर लगती तो उसके क्या क्या टूटता है। उसको सोचना चाहिए था, मेरे से मत बोल, उससे बोल कि तू रोंग क्यों चल रहा था, उससे बोल रोंग क्यों चल रहा था। भाई गलती होगी ना उससे, दे रहा है ना वो जो भी बन रहा है तेरा, डेंटिंग पेंटिंग करा करो कि फ्री रहो। अरे भाई मेरे, तेरे से दादागिरी नहीं बता रहे, जो भी है फाइनल कर ले। गाड़ी कितने की है? मन की 50,00,000 की, 50,00,000 रुपए दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी चीज आपको देख लो, फिर तुम ले जाना गाड़ी। भाई मेरी बात सुन, जो भी है भाई फाइनल कर ले, मेरी बात सुन। भाई की पूरी गाड़ी खराब हो गई भाई, पूरी गाड़ी खराब हो गई भाई, ले जाना तुम लोग अगर दमो तो गाड़ी। अरे यार चाबी कहाँ है इसकी? अरे नहीं ले ली ना, जबरदस्त चाबी दे भाई उसको, और जो भी है फाइनल बताओ तुम्हारा। कितनी बार बोलूं तेरे से, 2 बार तो बोल दिया तेरे से। तो मेरी बात सुन, तेरा जो भी है हम करवा के दे रहे हैं ना भाई, उससे 1,00,000 रुपए कहाँ से लाएगा वो? 1,00,000 रुपए दे दे, वो कहाँ से लाएगा 1,00,000 रुपए? तू है ना इसका बड़ा भाई, तू देगा पैसे या फिर ये देगा? अरे भाई तेरा 1,00,000 का होता ना तो 1,00,000 ही देता तेरे को मैं, समझ गया? तेरा 1,000 रुपए का तो नुकसान है और तू 1,00,000 रुपए मांग रहा है, इतना वो समझ रखा है क्या मेरे को? अगर तुम में औकात नहीं 1,00,000 रुपए देने की तो अबे औकात की बात कर रहा ना भाई, 20,00,000 रुपए की गाड़ियां ही खड़ी है यहाँ पे, तेरे पास पैसे तो कुछ भी करेगा क्या? फोकट बकचोदिया कर रहा है यार, तो तेरा 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, 1,00,000 रुपए पे करेंगे क्या तेरे को? 1,00,000 देंगे, 1,000 का नुकसान होगा। तो 2,000 का मान ले, 3 का मान ले, 5 का मान ले, नुकसान है। तुम शोरूम में ले जाके ठीक करवा दो, 1 रुपए का नुकसान है तो 1,000 का भी नहीं, 1 रुपए का शोरूम में जाके सही करवा दो। इंश्योरेंस सब है पर तुमने कहा कि तुम ठीक करवाओगे इसको, कराओ ना शोरूम में जाके सही कराओ। शोरूम में तो बंपर डालेगा वो, शोरूम में तो बंपर डालेगा वो पूरा काम करवाते हैं। तो जेन्युइन करके देगा भाई, वहाँ तक ले चल, 1,00,000 रुपए दो, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना भाई। मैंने 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो बंपर डालो 1,00,000 रुपए दो, या फिर तुम्हें दम है तो इसको लेके ले भाई। फिर उल्टी बातें मत कर भाई, तू उल्टी बातें कर रहा है भाई, अब बिना करा के लाओ तभी गाड़ी जाएगी, नहीं गाड़ी जाएगी। बोल दिया यार इनसे यार, थाने चल चलो, मेरा काम करो भैया, चल कोई ना, चाबी ला इसकी, यहाँ क्यों रहेगी भाई? भाई थाने जाएगी ये भी, थाने चलना, तू थाने में लेके चल, फोन नंबर पे कॉल लगाओ दीपक भाई। अरे ये रहा ना आरकेपुरम थाना, इसमें चल चलना, ले जाएंगे, तू दादागिरी मत कर यहाँ पे आके, तू मेरी बात सुन, चलना वहाँ पे थाने में, फालतू बात तेरा बंदा कर रहा है भाई, फालतू बात नहीं कर रहा, गाड़ी उठी कराओ, तुमने ठोकी है कहा तेरा भाई? हाँ तो ठोकी तो लेके चलना दुकान पे, थाने में चल रहे हो, थाने में चलो, यहाँ क्यों पंचायत कर रहे हो तुम? ठीक होगी गाड़ी यहाँ पे, ठीक नहीं होगी और गाड़ी नहीं जाएगी, जहाँ भी चलना है ना वहाँ पे चलो, यहाँ से जहाँ भी निकलना है ना वहाँ पे चलो, ले चल घुमा आजा। अरे भाई ओ भाई, भाई, भाई मेरी बात सुन, ओए लड़े मत भाई, ओए गाली मत दोगे, अरे तो पुलिस वाला ले जाएगा गाड़ी, ये बता रहा है लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, मेरी बात सुन, ओए भेड़ के लड़े एक दूंगा ना अभी ढंग से, रे समझ गया ना, एक ही लट में नहीं तो बखेड़ दूंगा अभी, फोकट बोल रहा है। हाँ तेरे को आते क्या लट चलाने, मैं चला के दिखाऊंगा तेरे पे लट, धक्का किसको दे रहा है, धक्का किसको दे रहा है, फोकट में बकचोदिया कर रहा है, लट निकाल रहा है, मैं चलाऊंगा तेरे को लट चला के मैं दिखाऊंगा। मेरी बात सुन, थाने ले गाड़ी, लाइट किसके ऊपर निकाल रहा है ये चूतिया, दे गाड़ी उठाओ, चलो निकलो, कौन रुक गाड़ी उठा, ले चाबी छिना रहे,
फोकट में बकचोदियां कर रहा है। चाबी ले इससे, चाबी किसके पास गाड़ी की? अब तू चाबी दे, बहुत हो गया तेरा, बुला ले। अरे मैं तो किसी को भी नहीं बुलाऊं, तेरे से बोल रहा हूँ, मान जा। इसको नीचे मेरी बात सुन, उधर आ जाना, देख लेंगे तेरे को। चाबी दे भाई, चाबी दे भाई, चाबी दे, कहाँ ना है? चाबी दे, चाबी, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, तू आ जा, देख लेंगे, जो भी देख लेंगे। तुम बैठो दीपक भाई इस पे। अरे बोल देना भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? ओए अरे पिछा में चीन रहा है तू, समझ में नहीं आ रही तेरे। पैसे देने को कहा नहीं ना दादागिरी मत। इधर आ तू, तेरे को मेरी औकात बताता हूँ, यहाँ से निकल अभी। हाँ आर के पुरम थाने पे आ जा तू, तेरे को पैसा दूंगा। इसकी टांग यार, लट दिखा रहा है, हमने नहीं चलाया लट, दिमाग खराब कर रहा है। ये तो भयंकर ही सीन हो गया गाइस, इधर आने दो, दिखाता हूँ यार ये क्या पिक्चर है। गाड़ी ठुक गई, 1,00,000 रुपए कौन देगा भाई, बम्पर चेंज करवा के दो इसको। अरे यार इसलिए तो गाइस मेरी गाड़ियाँ देने की इच्छा नहीं होती भाई, बट कोई ना यार, जो भी हुआ अभी आगे देखते हैं भाई। आने दो उसको, दिमाग खराब करके रख दिया, बार बार लट निकाल रहा है।